नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम इंडियन इकोनॉमी के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको टॉपिक दिख रहा है, टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसी से संबंधित हम इन टॉपिक्स को आज कवर करेंगे और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप HPS, एलाइड सर्विसेज या NT के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ये जो क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी के, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप इसको डेफिनेटली कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें और ये बेसिक से एडवांस की तरफ हम इसमें सब तरह के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोटेड एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ, यानी कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो किस कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करती है या किस कॉम्बिनेशन से बनती है। तो इसमें लिखा गया है आपके पास रूरल और अर्बन सेक्टर्स को मिला के बनती है, यानी कि ग्रामीण और शहरी, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स, या हैवी और स्मॉल इंडस्ट्री, या डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड सेक्टर्स। तो अब आप देखिए, जब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अगर आप इसको भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया है। अब यहाँ पे आपको सीधे सीधे तौर से देखने को मिलेगा कि जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो मिक्स्ड इकोनॉमी से हमारा सीधा सीधा अभिप्राय होता है जहाँ पे गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, ठीक है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है वो मिलजुल के काम करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। यानी कि आप अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं तो इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सरकार जो पब्लिक एंटिटी होती है और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है वो दोनों मिलके काम करते हैं। और इस तरह से जो टास्क है जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, या GDP में कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये सारा प्रोसेस मिलजुल के किया जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, इसी बेसिस का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है B, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा अगर डिटेल देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल्स भी दिख जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकॉनमी इवॉल्व आफ्टर द आइडिया ऑफ द केन्स, यानी कि जो GM केन्स थे उन्होंने 1936 में अपनी एक बुक लिखी थी, उसके बाद उन्होंने उसमें बताया था कि जो इकॉनमी है दैट शुड बी इन द मिक्स्ड फॉर्म, वहाँ पे प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मार्केट को आप फ्री हैंड्स में नहीं छोड़ सकते। सो मिक्स्ड इकॉनमी को उन्होंने प्रोत्साहित किया था। और साथ ही साथ However, the condition attached is that the private enterprise must work for serving the society rather than having only the self-interest. यानी कि इसमें ये भी उन्होंने एक आइडिया दिया था कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो केवल और केवल खुद के प्रॉफिट्स को मद्देनज़र रखते हुए काम ना करे, वो सोसाइटी के वेलफेयर को भी इसमें एक महत्वपूर्ण एक पार्ट मान के चले। यानी कि जब जब भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी या कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा की जाएगी तो उसमें सोशल वेलफेयर भी एक स्टेप होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द आवर क्वेश्चंस, दैट इज़ मिक्स्ड इकॉनमी। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, इट विल बी ट्रू टू क्लासीफाई इंडिया एज, यानी कि भारत को क्या कहना उचित रहेगा या सही रहेगा, ठीक है, किस तरह से हम भारत को क्लासिफाई कर सकते हैं, किस कैटेगरी में रख सकते हैं इसको, कि ये एक फूड डेफिशिट इकोनॉमी है, खाद्य पदार्थ में जो डेफिशिट है, ठीक है, या दूसरा लेबर सरप्लस है, या तीसरा ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी है, या चौथा कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी है। तो आपको मालूम होना चाहिए भारत आज की डेट में वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर पॉपुलेशन का आंकड़ा पार कर चुका है। और इस तरह से अगर हमारे देश में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में भी यंगस्टर की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो लगभग लगभग जो हमारे पास 18 से 25 साल के युवा है, ठीक है, या 18 से 35 साल के युवा है, वो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज रखते हैं। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन रिलाय करती है वो 18 से 35 साल की एज में हमारी रिलाय करती है, मोर देन 50%, ठीक है। तो इसके लिए, तो इस तरह से अगर हम देखें तो सीधे सीधे तौर से जो हमारा आंसर यहाँ पे बन के आएगा दैट इज़ अ लेबर सरप्लस इकॉनमी। जो हमारे देश की इकॉनमी है वो कैसी इकॉनमी है, लेबर सरप्लस इकॉनमी है। इसके डिटेल्स आंसर के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल किया गया है। इंडिया इज़ अ लेबर सरप्लस इकॉनमी बिकॉज इन इंडिया देयर इज़ अ
Disguised unemployment along with the underemployment, which means that qualified skilled workforce willing to work is available, but there are not enough employment opportunities. So this is called the labor surplus. यानी कि हमारे पास यहाँ पे जितना काम है, ठीक है, जो काम है वो लोग करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ का यूथ है, काम करना चाहता है लेकिन उनको काम नहीं मिलता. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है छिपी हुई बेरोजगारी. इसको हम क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी भी के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो इस तरह से छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब है कि जहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे किसी एक फील्ड में, मान लो कि ये कोई खेत है, तो खेत में 10 लोग काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में जो इसमें काम करने की ज़रूरत है या लोगों की रिक्वायरमेंट है वो केवल और केवल 5 है, लेकिन ये 5 लोग एक्स्ट्रा इसमें काम कर रहे हैं. और ये छिपी हुई बेरोजगारी ज़्यादातर एग्रीकल्चर में पाई जाती है, यानी कि जब हम खेती बाड़ी की बात करते हैं तो उसमें सरप्लस लेबर भी सब्ज्यूम हो जाती है. सो यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेड सरप्लस इकॉनमी की, ट्रेड सरप्लस इकॉनमी कौन सी होती है? सो इकोनॉमिक मेजर ऑफ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड वेयर अ कंट्रीज एक्सपोर्ट एक्सीड इट्स इम्पोर्ट. यानी कि अगर आप ट्रेड सरप्लस इकॉनमी की बात करेंगे, वहाँ पे जहाँ पे एक्सपोर्ट यानी कि जो हम निर्यात करते हैं, ठीक है, जितना निर्यात हो रहा है देश से वो जब आपके आयात से ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा होना चाहिए? आयात से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि इम्पोर्ट से ज़्यादा होना चाहिए. एक्सपोर्ट शुड बी ग्रेटर देन द इम्पोर्ट, देन वी कैन से वी आर ट्रेड सरप्लस इकॉनमी. और सरप्लस लेबर इज़ द कॉन्सेप्ट यूज बाय द कार्ल मार्क्स इन हिज क्रिटिक्स ऑफ द पॉलिटिकल इकॉनमी. लास्ट है कैपिटल सरप्लस, इट इज़ द इक्विटी विच कैन नॉट अदरवाइज बी क्लासीफाइड एज कैपिटल स्टॉक्स और रिटेन्ड अर्निंग. ठीक है, तो यह इसका राइट आंसर है. ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द इंडियन इकॉनमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्री डोमिनेंसेज ऑफ एग्रीकल्चर, लो पर कैपिटा इनकम या मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा. ठीक है, जो भारत की इकॉनमी है, अर्थव्यवस्था है, उसके क्या की फीचर है? प्री डोमिनेंसेज ऑफ एग्रीकल्चर है, पर कैपिटा जो इनकम है यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो कैसी है? कम है. मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेरोजगारी है, या उपरोक्त सभी. तो अगर आप इसके राइट आंसर की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो दैट इज राइट आंसर डी. इंडियन इकॉनमी इज कैरेक्टराइज बाय प्री डोमिनेंसेज ऑफ एग्रीकल्चर, लो पर कैपिटा इनकम एंड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट. इन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर ऑफ GDP इज अराउंड 17.9%. ठीक है, सो देखिए ये तीनों फीचर हमारे इंडियन इकॉनमी के की कंसर्निंग के है. क्यों की कंसर्निंग के है? क्योंकि देखिए हमारा जो मोस्ट ऑफ द मोस्ट पोर्शन है, ठीक है, या पॉपुलेशन है, वो सबसे ज़्यादा रिलाय किसके ऊपर करती है? एग्रीकल्चर के ऊपर रिलाय करती है. ठीक है, और जो कंट्रीब्यूशन इन द GDP है सबसे ज़्यादा, वो भी एग्रीकल्चर का है. ठीक है, इसी तरह से हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी लो है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेफिनेटली हमारी ज़्यादा है, तो इसलिए ये सारे के सारे ऑप्शंस सही हो जाते हैं. उसके बाद विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइवेट इनकम अराइजिंग इन अ कंट्री. यानी कि इसमें क्या क्या कहा गया है कि निम्न में से कौन सा जो प्राइवेट इनकम अराइजिंग है, ठीक है, उसका एक अंश नहीं है, भाग नहीं है, इंक्लूड नहीं किया गया है. ठीक है, सो फैक्टर इनकम फ्रॉम द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट या करंट पेमेंट्स ऑन फॉरेन लोन्स. ठीक है, ये चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शंस में से आपको जो राइट आंसर देना है दैट इज़ डी. जब हम प्राइवेट इनकम की बात करते हैं दैट डज नॉट इंक्लूड, प्राइवेट इनकम अराइजेज इन अ कंट्री डज नॉट इंक्लूड करंट पेमेंट्स. ठीक है, कौन सा इंक्लूड नहीं रहेगा इसमें? करंट पेमेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड ऑन फॉरेन लोन्स. सो प्राइवेट इनकम इंक्लूड ओनली टाइप ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स. राइट, यानी कि जो हमारी प्राइवेट इनकम है उसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? दैट इंक्लूड इनकम रिसीव्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी कि जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा इनकम अर्जित की जाएगी या किसी हाउस होल्ड के द्वारा की जाएगी उसी को हम प्राइवेट इनकम में लेते हैं. ऑफन डिराइव्ड फ्रॉम द ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज और इनकम एन इंडिविजुअल दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, एग्जाम्पल इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट. दस प्राइवेट इनकम इंक्लूड फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड करंट ट्रांसफर फ्रॉम द
गवर्नमेंट, दिस इज द प्राइवेट इनकम, ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखा गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है हु कॉइंड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी, ए के सेन, किरित एस पारिक, राज कृष्णा या मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया, ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपके पास दिए गए। सो राइट आंसर फॉर दिस इज सी। सो द टर्म वॉज कॉइंड बाय द राज कृष्णा। द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज अ डेरोगेटरी टर्म्स रेफरिंग टू द लो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द सोशलिस्टिक इकोनॉमी ऑफ इंडिया बिफोर 1991, विच इज स्टेगनेटेड अराउंड 3.5% फ्रॉम 1950 टू 1980s, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट इज जी डी पी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, जी एन पी माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंसेस या एन एन पी प्लस डेप्रिसिएशन अलाउंसेस या जी डी पी माइनस सब्सिडीज प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो वट शुड बी द राइट आंसर, राइट आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ठीक है। सो जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट इज जी डी पी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ठीक है। इसको हम कैसे करते हैं, जब हम जी वी निकालते हैं, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, सो दैट इज टोटल वैल्यू ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जितनी हम वस्तुएं सेवा का सेल करेंगे, प्लस हम इसमें करेंगे वैल्यू ऑफ चेंजेस इन द इन्वेंट्रीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेंड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय, जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो इसको हम कैसे निकालते हैं, जब हम टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री या टोटल वर्किंग पॉपुलेशन एरिया ऑफ अ कंट्री या वॉल्यूम ऑफ द टोटल कैपिटल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ठीक है, तो वो कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन ए दैट इज पॉपुलेशन, ठीक है। यानी कि हम जो जब पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो वो देश की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके निकाली जाती है, ठीक है। यानी कि द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री पर कैपिटा इनकम ऑल्सो नोन एज द इनकम ऑफ पर पर्सन, इसको हम निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, तो उसके साथ हमारे पास आ जाएगी पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, तो ये राइट आंसर इसका, राइट। सो नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जीडीपी इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ऑल, यानी कि जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसको डिफाइन किया जाता है एज द वैल्यू ऑफ, ठीक है, गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी इन अ ईयर, गुड्स एंड सर्विसेज इन अ इकोनॉमी इन अ ईयर, फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी इन अ ईयर एंड द डी ऑप्शन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से दोस्तों, क्या होना चाहिए राइट आंसर, दैट इज योर राइट आंसर शुड बी डी। अब आप कई बच्चों ने ये भी सिलेक्ट किया होगा बी की गुड्स एंड सर्विस इन अ कंट्री इन अ ईयर, बट हमारे पास कैसी होनी चाहिए, फाइनल गुड्स होनी चाहिए, गुड्स एंड सर्विस, ये देखिए ये और ये ऑप्शन दोनों लगभग लगभग सेम है, बट इसमें और इसमें डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, इसमें फाइनल नहीं है लिखा हुआ और यहाँ पर सर्विसेज नहीं है लिखा हुआ, यहाँ फाइनल गुड्स तो लिखा गया लेकिन सर्विसेज नहीं लिखा गया, तो इसलिए इस और इसमें डिफरेंसेज सर्विस का आ गया, तो इसलिए जो राइट आंसर है दैट इज डी। यानी कि एक टेरिटरी के अंदर जितनी भी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन एक देश में एक साल के अंदर होगा, ठीक है, उसको हम जीडीपी का भाग मानेंगे, ठीक है, या जीडीपी कंसीडर करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, जो डेप्रिसिएशन हमारा मूल्यह्रास है वो कैसा है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस पर्सनल इनकम और या पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, दैट इज, ठीक है, जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन का मतलब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस एन एन पी, ठीक है, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट नेशनल प्रोडक्ट को जब हम माइनस कर देते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से, तो हमारे पास क्या बच जाता है, डेप्रिसिएशन बच जाता है। इन इकोनॉमिक
इकोनॉमिक्स दैट डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द इकोनॉमिक वैल्यूज ऑफ द कैपिटल स्टॉक्स ऑफ अ फर्म नेशंस और अदर एंटिटी राइट। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 टॉक्स अबाउट द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम को मेजर करने का कौन सा निम्न में से मेथड नहीं है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड या इन्वेस्टमेंट मेथड। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है, डी है, इन्वेस्टमेंट मेथड हमारे पास से नहीं दिया गया है। ठीक है, मेथड इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। There are three method, that is income method, product or value added method या expenditure method. Investment method is in only appropriate, ठीक है, जो हम investment method है वो किस लिए appropriate है, if the property is let or operated under as management structure by the third party. Income method, under this method national income is measured as the flow of the factor income. तो प्यारे दोस्तों, आज हम इन्हीं 10 सवालों के साथ अपना सेशन खत्म करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस एज वेल एज माय यूट्यूब चैनल।